तो ये अभी रेलवे लाइन के ऊपर ये गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, देख सकते हो ये जॉइंट कर रहे हैं ये स्टील के जो गाटर हैं उनको लॉन्च करके फिर ये ऊपर डाला जाएगा। इस तरीके से देखो काम चल रहा है दोस्तों। निकल जाएंगे इधर, मुझे नहीं लगता निकल पाएंगे। देखो ये काम किया जा रहा है रेलवे लाइन के ऊपर, देखो किस तरीके से यहाँ पर स्टील के गटर की लॉन्चिंग की जा रही है आई गटर द्वारा। देखो एक गटर से दूसरे गटर, एक पिलर से दूसरे पिलर पर किस तरीके से जॉइंट किए हैं इन्होंने, देखो इस तरीके से जॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर। बस रोक लो यहीं पर, यही रोक लो, साइड में थोड़ा सा दिखा दें उतर के। ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, UR2 को बनाया जा रहा है दोस्तों। देखो ये सारे ये गाटर जॉइंट किए जा रहे हैं, स्टील के जो गाटर हैं इनको वो क्या इनमें देखो वो नट बोल्ट द्वारा ये मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके और फिर इस पर ये जॉइंट किया जाएगा दोस्तों। ये देखो देखो दोस्तों ये हॉलम्बी कला है रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन के ऊपर देखो ये गाटर लॉन्चिंग कर दी है इन्होंने। देखो ये इस तरीके से गाटर लॉन्चिंग की जाती है। अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा, देखो सेटरिंग लगा रहे हैं, इस पर फ्लोर वर्क भी किया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ से, और आगे चल के हम उधर से कनेक्ट होकर आएंगे दोस्तों इधर ऐसे। तो आप लोग हॉलम्बी कला देखो, देख लो किस तरीके से ये स्टील के गाटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, अभी सारे पे ही ये जो रेलवे लाइन का ही है वो ही बचा हुआ है। हॉलम्बी कला देखो वो लिखा हुआ है हॉलम्बी कला, ये स्टेशन भी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो चलते हैं और आप दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे चल के। देखो इसमें इस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों, सारा ही नज़ारा देखो। इधर अभी गाटर लॉन्चिंग की जानी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अर्बन एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे 2 जो कि 10 लेन का होने वाला है दोस्तों। 6 लेन जो हैं वो दोस्तों एक्सेस कंट्रोल्ड होने वाली हैं, और जो लोकल ट्रैफिक के लिए 4 लेन दी जाएंगी टू साइड इस साइड, ठीक है तस्वीरें। और चलते हॉलम्बी कला रेलवे लाइन के ऊपर किस तरीके से भाई साहब फ्लाईओवर बनाया गया है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि उसमें सारे स्टील के गाटर द्वारा लॉन्चिंग की जा रही है, वो सब कुछ आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और जो ये रैंप का हिस्सा है ये भी बन के कम्प्लीट हो चुका है जो दोस्तों, और ये साइडों के जो पैरा फिट वॉल हैं दोस्तों वो अब बचे हुए हैं बनाने के लिए, वो भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये हैं साइड के पैरा फिट वॉल जो बनाने के लिए बचे हैं इस फ्लाईओवर के हॉलम्बी कला के दोस्तों। और बीच में जो रेलवे लाइन का हिस्सा है दोस्तों उस पर अभी स्टील के गाटर लॉन्चिंग द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट किया जा रहा है दोस्तों। और बहुत ही जल्द लॉन्च करने देने के बाद में इस पर फ्लोर वर्क स्टार्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूँ ये UR2 पर जो कंपनी वर्क कर रही है उसके जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं इस फ्लाईओवर के नीचे दोस्तों, और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है वो है HG इंफ्रा, उसका लोगो मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेना कौन सी कंपनी है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हॉलम्बी किला की रेलवे लाइन आ चुकी है, और हॉलम्बी किला का रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों उसी के ऊपर। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर यह वर्क चल रहा है दोस्तों फ्लाईओवर का। तो देख सकते हो सारे ये गाटर स्टील के हैं दोस्तों, और इसको जोड़ने के बाद में मतलब हिस्से में है ये थोड़े थोड़े हिस्से में, तो इसमें 3 पार्ट में है ये, तो इनका एक ही पार्ट बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, सबसे ज़्यादा अगर
पिलर कहीं देखने के लिए मिलेंगे, अर्बन एक्सटेंशन रोड पर ही देखने के लिए मिलेंगे इस होलंबी किला के रेलवे लाइन के ऊपर। दोस्तों देख सकते हो जिधर आप नज़र उठाकर देखेंगे उधर आप लोगों को स्टील के गार्टर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च किया करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, जो पूरा रूट है दोस्तों ये आपको बता दूं कि NH-44 से स्टार्ट होता है, यानी कि अलीपुर से स्टार्ट होता है और ये द्वारका में जाकर ख़त्म होता है। ये 60 किलोमीटर का लंबा, ये आपको बता दूं क्या ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है दोस्तों, जो कि गुड़गांव और जयपुर से आने वाले वाहन वो चंडीगढ़ की साइड में जा सकते हैं या दिल्ली की साइड में आ सकते हैं। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यही है काम यहाँ का। गार्टर जॉइंट किए जा रहे हैं, स्टील के जो गार्टर हैं इनको वो क्या इनमें देखो वो नट बोल्ट द्वारा ये मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करके और फिर इस पर ये जॉइंट किया जाएगा। दोस्तों ये देखो, देखो दोस्तों ये होलंबी किला है रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन के ऊपर देखो ये गार्टर लॉन्चिंग कर दी है इन्होंने। देखो ये इस तरीके से गार्टर लॉन्चिंग की जाती है। अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जाएगा, देखो सेटरिंग लगा रहे हैं, इस पर फ्लोर वर्क भी किया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ से, और आगे चल के हम उधर से कनेक्ट होकर आएंगे दोस्तों इधर ऐसे। तो आप लोग होलंबी किला देखो, देख लो किस तरीके से ये स्टील के गार्टर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, अभी सारे पे ही ये जो रेलवे लाइन का ही है वो ही बचा हुआ है। होलंबी किला देखो वो लिखा हुआ है होलंबी किला, ये स्टेशन भी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो चलते हैं और आप दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे चल के। देखो इसमें इस तरीके से ये गार्टर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों, सारा ही नज़ारा देखो। तो इधर अभी गार्टर लॉन्चिंग की जानी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। में ये सारे में ही देखो ये बना दिया इन्होंने क्या ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये फुटपाथ है जिस पर पब्लिक चलेगी, आम पब्लिक फुटपाथ पर बचा हुआ है, टाइम तो लगता ही है दोस्तों इसको काम करने में। इधर का पूरा ही स्ट्रक्चर बन के कम्प्लीट हो गया है, बीच में अभी पैराफिट वॉल बनाए जाएंगे। चलो चलो देखो यहाँ आके निकले हैं दोस्तों, ग्रीन फील्ड एरिया है दोस्तों, तो इस वजह से ये जल्दी बनकर कंप्लीट हो गया, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है दोस्तों, UR2 एक्सटेंशन रोड।
देखो ऐसा ही अंडरपास यहाँ पर भी बनाया गया है। और इस अंडरपास पे अभी क्या नाम है इसके जो रूफ टॉप के जो पिलर हैं यानी कि खंभे हैं वो नहीं गलाए गए हैं। देखो इधर भी अभी बनाना बाकी रह गया है, ये देख सकते हो। और अभी इधर भी बचा हुआ है दोस्तों, तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे बनने में, क्योंकि अभी देख सकते हैं इसमें कॉन्क्रीटिंग की जा रही है, क्योंकि वो देखो ये पूछियो। और ये दोस्तों देख सकते हो ये भवाना रोड आ चुकी है, और भवाना रोड पे देखो ये अंडरपास बनाया गया है, मतलब कि इधर से उधर जाने के लिए या उधर से इधर आने के लिए अंडरपास है। और जो पिलर के ऊपर दोस्तों इस साइड से उस साइड में जाने के लिए देखो ये पिलर हैं दोस्तों, ये भवाना रोड आ जाती है। और ये भवाना रोड पर ही देख सकते हो कि उधर जाने के लिए तो ये इस पर पिलर का सहारा लिया जाएगा, और इधर जाने के लिए दोस्तों ये अंडरपास दिया हुआ है, तो अंडरपास का ही इस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देखो ये देखो अंडरपास बन गया है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये भवाना रोड है जो बना रहे हैं, और यहाँ से आप चलते हैं सीधे सीधे जहाँ जहाँ आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई दे रहा है। देखो ये लगाए गए हैं इस तरीके से, और अभी पिलर भी बन के बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो पिलर भी बन के कंप्लीट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अभी, आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को इन्होंने लॉन्च कर भी दिया है। देखो दोनों साइडों में देख सकते हो आप लोग, एक साइड का रैंप बन गया है, दूसरी साइड का भी बचा हुआ है फिटवॉल ये रखे हुए हैं। देखो अभी इस पर भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, और उस पर भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है अभी, तो यही वर्क चल रहा है अभी UR2 का UR एक्सटेंशन रोड, R1 एक्सटेंशन रोड एक्सप्रेस वे 16 लेन। देखो स्ट्रीट लाइट के खंभे लग चुके हैं, लेकिन इन पर लाइट लगानी अभी बाकी है। देखो दोनों साइडों में ही लग चुके हैं, चलते हैं दिखाते चल के। अभी अभी काफ़ी लंबा है दोस्तों,
पे ये पुलिया बनाई है अंडरपास दोस्तों इधर से उधर जाने के लिए। क्योंकि ये नाला है शायद, हाँ वो नाला, हाँ देखो अंडरपास बना दिया, नाला है दोस्त। देखो इधर से उधर जाने के लिए, देखो एक ये अंडरपास बनाया गया, गहराई खुदाई डीप, देखो ये अंडरपास ही बनाया जा रहा। इधर से इधर जाने के लिए देखो ये बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। देखो इधर पेंट भी कर दिया, देख सकते हो। और दोस्तों ये आ चुका है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लाईओवर दे रखा है। जब ये दिल्ली की साइड से और गुड़गांव की साइड बांध जाएंगे तब ये फ्लाईओवर दिया गया है, और जब बवाना से अगर गुड़गांव जाएंगे तो अंडरपास दिया गया है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत भाई।